और खबरों में अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के छतरपुर में मध्य प्रदेश विद्युत पेंशनर्स एसोसिएशन ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। धरना प्रदर्शन कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने तुरंत भुगतान की मांग की है। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया है। पावर हाउस से रैली निकालकर कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां जल्द भुगतान कराने की मांग को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है। बता दें कि मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों के खराब वित्तीय अवस्था के चलते कंपनी के सेवानिवृत्त कर्मचारी की सितंबर माह की पेंशन फिलहाल रोक दी गई है। पावर ट्रांसमिशन कंपनी के आदेश निकालकर पेंशनरों को सितंबर माह की पेंशन देने में असमर्थता जताई है। आदेश के बाद से हजारों पेंशनर में आक्रोश व्याप्त है। दीपावली त्योहार के पहले पेंशन भुगतान कराने के लिए प्रांतीय आह्वान पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है और कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया है। पेंशनर्स जो हमारे विद्युत विभाग के पेंशनर्स हैं, उनको एक तारीख को पेंशन मिल जाती है, लेकिन इस बार शासन और प्रशासन और प्रबंधन की हठधर्मिता के कारण पेंशन नहीं दी गई है, जो कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहता है कि सबसे पहला अधिकार पेंशनर्स का होता है, यदि किसी भी जगह है तो उनको पेंशनर्स को सबसे पहले उनको पेंशन दी जानी चाहिए। समझ में आ रही है कि पेंशन रोके जाने की स्थिति अब क्यों निर्मित हो रही है। आज इसमें पेंशनर शाखा छतरपुर में, खजुराहो, छतरपुर, बिजावर, बड़ा मलहरा, पशुआहा, पूरा छतरपुर जिला के पेंशनर्स हैं, इसमें कार्यरत कर्मचारी हैं, इसमें यूनाइटेड फोरम के घटक दल सभी इसमें सम्मिलित हैं। पेंशन नहीं आती तो वगैरह हम आज एक दिन का हमारा जो है आंदोलन के बाद हम अभी 3 बजे ज्ञापन देने जा रहे हैं माननीय कलेक्टर महोदय को।